सर लगभग 2 महीने का समय है, मैंने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, या मेरा सिर्फ 20% सिलेबस हुआ है, क्या मैं अभी पढ़ के पास हो सकता हूँ? कुछ ऐसा बता दो कि मैं पास हो जाऊँ, 200 नंबर आ जाए मेरे, मेरे को नीचे 300 नंबर, मेरे को नीचे 350, बस मेरे को पास करा दो। कैसा हो सकता है बेटा? डेफिनेटली हो सकता है, बट उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और अपने आप से बोलना पड़ेगा यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। और उसके बाद आपको मेरी बातों पे भरोसा करना पड़ेगा, जो मैं बताता हूँ उसे नोट डाउन करना पड़ेगा और नोट डाउन करने के बाद उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए, जो भी बच्चे दिसंबर 2023 में पास होना चाहते हैं वो हमारे साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर दिसंबर 2023 पास करना चाहते हो तो। आखिरी के 2 महीने हैं और इस 2 महीने के अंदर गारंटी 200 नंबर लाने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, या फिर और बच्चे क्या गलतियां करते हैं उससे हमें एक सीख लेनी है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, अगर मैं बात करूं सबसे पहले अकाउंट सब्जेक्ट की, अब अकाउंट सब्जेक्ट है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना सबसे पहले 100 नंबर के पेपर को देखते हैं 80 नंबर का है। मतलब सर, मतलब बेटा वो थ्योरी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी आता है ना आपका, जिसके अंदर 20 मार्क्स की थ्योरी पूछी जाती है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं मतलब थ्योरी पे ध्यान ही नहीं देते कि एंड में पढ़ेंगे, और वो एंड कभी होती नहीं है क्योंकि बाकी 80 नंबर का पेपर कभी पूरा हमारा होता ही नहीं है, कभी उसकी प्रैक्टिस होती नहीं है, कभी टेस्ट होते नहीं है, तो इस थ्योरी को नेग्लेक्ट कर देते हैं और 20 नंबर पहले क्वेश्चन में उड़वा के आ जाते हैं। आपको बिल्कुल वैसा नहीं करना है, आपको पता है ये थ्योरी 20 नंबर की कन्फर्म है, तो आपको थ्योरी पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, और आप इंपॉर्टेंट चीजों पे पहले फोकस कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले थ्योरी पे फोकस करना है। अब थ्योरी है 20 नंबर की, आपके एग्जाम के अंदर आने वाली है और ये बहुत ज्यादा मिनिमम है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, उसके अंदर इस 20 नंबर की थ्योरी में 12 नंबर के ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स के लिए बेटा मैंने एक सेशन लिया था पिछली बार, जो बहुत सारे बच्चों ने पसंद किया था, और मेरे को पता लगा कि लगभग वहां पर 12 में से 10 नंबर के ट्रू फॉल्स तो उसी सेशन में से थे, लगभग 3.5 घंटे का था, तो उस सेशन को भी आप देख सकते हो। और बाकी मैं इस बार के अटेम्प्ट के लिए दोबारा एक ट्रू फॉल्स का सेशन लूंगा अपडेटेड ट्रू फॉल्स के लिए, ताकि इस बार के अटेम्प्ट के अंदर क्या ट्रू फॉल्स आने की संभावना है हम उस पर कुछ एक सेशन लेंगे, बट तब तक आपको ये वाला सेशन से देखिए, काम चलाइए, इससे भी आपको 100% मदद मिलेगी। तो 12 नंबर ये, और उसके बाद आती है 8 नंबर की थ्योरी, जिसके लिए आप रेफर कर सकते हैं हमारी परफेक्ट रिवीजन बुक, इंडिया बेस्ट सेलिंग बुक। इस परफेक्ट रिवीजन बुक के कंटेंट को आपको रेगुलर पढ़ना है। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर परफेक्ट रिवीजन बुक सिर्फ 8 नंबर के लिए यूजफुल है, बेटा परफेक्ट रिवीजन बुक पहली बात तो सारे सब्जेक्ट की है, दूसरी बात 8 नंबर की थ्योरी यहाँ तो है ही, बाकी सारे चैप्टर का वहाँ पर कंसाइज नोट्स हैं। इसके अलावा इस बार की हमारी परफेक्ट रिवीजन बुक में नया क्या है, प्रायोरिटी क्वेश्चन, हर एक चैप्टर के अंदर आपको प्रायोरिटी क्वेश्चन दिए गए हैं कि वो चैप्टर आपने पढ़ लिया उसका कंटेंट यहाँ से रिवाइज करिए, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन दिया ना सिर्फ इन्हीं को प्रैक्टिस कर लो, यहाँ पर सारे के सारे कंसेप्ट कवर हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। 297 रुपीज़ की बुक है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, अभी आपको आगे भी पता लगेगा बाकी सब्जेक्ट में आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अकाउंट्स के अंदर यहाँ पर 20 नंबर कन्फर्म हो गए, क्या बाकी के 80 नंबर के पेपर में आप 20 नंबर नहीं ला पाएंगे? सर डेफिनेटली ला पाएंगे, और जिनका अकाउंट्स अच्छा होगा उनके अगर वो 50 आने होंगे ना तो बेटा 70 नंबर आएंगे, अगर उसने थ्योरी अच्छे से कर ली तो। उसके बाद बात करें अगर लॉ बीसीआर की, अब लॉ बीसीआर में बच्चे गलती क्या करते हैं, लॉ बीसीआर में वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से चालू करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही चालू करना है अगर आप पहली बार लॉ पढ़ रहे हैं, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इतनी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है कि उन्हें समझ नहीं आता कि हम क्या गलती कर रहे हैं। बेटा आपका जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप है, और ये LLP है, बहुत ज्यादा आसान एक्ट है, छोटे एक्ट हैं एज कम्पेयर टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कंपनीज एक्ट, और ये तीनों मिला के 30 नंबर के आते हैं, और आसान है सबसे बड़ी बात एज कम्पेयर टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड कंपनीज एक्ट। आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि आप आखिरी टाइम में पढ़ रहे हैं, तो आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है और सबसे ज्यादा फोकस इस पर रखना है। आपने कंटेंट पढ़ लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस, लॉ के अंदर बच्चे क्या करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ पढ़ के कहानियां समझ के याद करके काम चलाते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। आखिरी के टाइम है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, मेरे को पता है टाइम नहीं है, आपको लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट इट इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट देन सिर्फ आप याद करे जाएं, याद करे जाएं, याद करे जाएं, उससे कुछ नहीं होगा। आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ इन 3 एक्ट पे फोकस करना है। इसके कीवर्ड्स आपको बहुत ज्यादा, लॉ के अंदर बच्चे क्या करते हैं अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं, आपको कीवर्ड जो ICAI देता है, जो लॉ की लैंग्वेज है उसको यूज करना है। कीवर्ड्स के लिए भी हमने एक सेक्शन बना रखा है आपके परफेक्ट रिवीजन बुक में, उससे आपको बेटर हेल्प मिलेगी। तो इन 3 एक्ट हो गए, यहाँ पर 30 नंबर का आपका पेपर आता है, अगर आप ये 3 एक्ट अच्छे से कर लेते हो, राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हो, तो 20 से 25 नंबर कहीं नहीं गए। उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, क्या इतना भी नहीं पढ़ोगे कि 20-25 नंबर आ जाए, और उसको भी छोड़ दो चलो। उसके बाद आपका BCR, इसको तो अभी हमने छुआ ही नहीं, BCR यानी कि बेसिक इंग्लिश है, अगर आपकी 11th 12th में थोड़ी बहुत भी इंग्लिश सही थी ना, तो इस 40 नंबर के पेपर में अगर आप 7 दिन, बिलीव मी सिर्फ 7 दिन ढंग से पढ़ लें तो यहाँ पर 30 नंबर लेके आ सकते हैं। बताओ 30 नंबर अगर आप 7 दिन ढंग से पढ़ लें, क्या है यहाँ पर, नोटिस राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, फॉर्मेट याद करा, फॉर्मेट समझा एक बार, फॉर्मेट समझने के बाद सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेश्चन जो है उनको पढ़ लिया, समझ लिया, कंटेंट देख लिया, कंटेंट खुद ही बनाना है, सिर्फ फॉर्मेट याद होने चाहिए, तो ये कर लो, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कर लो। इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो भी बना ली है, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, BCR के अंदर क्या पढ़ना है जिससे 35 नंबर आ जाए, उस वीडियो को भी जरूर देख लो।
इस बीसीआर को रिवाइज कैसे कर सकते हो परफेक्ट रिवीजन बुक से, 35 मार्क्स जहां पर कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना है, आपको बीसीआर की परफेक्ट रिवीजन बुक को रेफर करना है। लगभग 35 पेजेस के अंदर ही कवर कर रखा है पूरा का पूरा बीसीआर का कंटेंट, 35 पेज यानी कि एक से डेढ़ घंटे में पूरा का पूरा बीसीआर रिवाइज हो जाएगा आपका। बताओ क्या चाहिए इससे ज्यादा। इसके अलावा आपके लॉ के अंदर सारे के सारे प्रायोरिटी क्वेश्चन पेपर से डेढ़ दिन पहले, कौन से क्वेश्चन आपको याद करने हैं, कौन से क्वेश्चन समझने हैं, कौन से क्वेश्चन लिखने हैं पेपर से डेढ़ दिन पहले, सिर्फ वही प्रायोरिटी क्वेश्चन हमने परफेक्ट रिवीजन में बुक में इंक्लूड करे हैं कि उन क्वेश्चन से आने की संभावना है पेपर सबसे ज्यादा। तो आपको वही क्वेश्चन बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी है रिवीजन के समय। बच्चे आप कहते हो ना कि रिवीजन में कौन से क्वेश्चन करें सर समझ नहीं आता, अकाउंट्स में कौन से क्वेश्चन करें रिवीजन के समय समझ नहीं आता, सिर्फ प्रायोरिटी क्वेश्चन जो इंक्लूड कर रखे ना बुक में वही करना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद बात करोगे मैथ्स सलाह, बच्चों की सबसे ज्यादा दुख थी नब्स। अब यार मैथ्स सलाह टफ लग रहा है क्योंकि आप उसे ना मैथ्स के नाम से देख रहे हो, आप मैथ्स भूल जाओ, स्टार्ट भूल जाओ। सबसे पहले स्टार्ट करो एलआर से, एलआर आपको पता है 20 नंबर का है और छोटे छोटे चार चैप्टर हैं। अगर चार चैप्टर आप तीन दिन में ढंग से पढ़ लो तो 20 नंबर आ जाते हैं आराम से हर एक बच्चे के, 20 में से 16-17 नंबर आराम से आ जाएंगे अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो, तीन से चार दिन के अंदर। तो 20 नंबर यहाँ गए। उसके बाद आप जाओ स्टैट्स पे, स्टैट्स के अंदर बेटा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, बहुत ज़्यादा आसान है। बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आती है फॉर्मूला याद करने में और उसे अप्लाई करने में। इसके अंदर कुछ नहीं करना, कंसेप्ट समझना है, आईसीए के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको बहुत अच्छे से करना है, घोट के पी जाना है बेसिकली, सीधा सीधा बात अगर मैं कहूँ तो घोट के पी जाना है। सिर्फ ये क्वेश्चंस कर लिए फॉर्मूला याद करने के लिए, परफेक्ट रिवीजन बुक के अंदर सारे के सारे फॉर्मूलाज और उसकी मेमोरी टेक्निक भी दे रखी है कि कैसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा एलआर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी परफेक्ट रिवीजन बुक में इंक्लूड होंगे। तो आईसीए के क्वेश्चंस कर लिए, रिवीजन करते समय आपको जो क्वेश्चन वहां पर दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रायोरिटी क्वेश्चन, सिर्फ वही करने हैं, सारे के सारे कंसेप्ट उन्हीं क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। तो यहां से ये हो गया आपका स्टैट्स हो गया। मैथ्स के अंदर डर लगता है अब क्योंकि आप ध्यान लगाते हो डेरिवेटिव पे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सेटरेशन, फंक्शन, परमोटेशन, सीक्वेंस सीरीज, कुछ नहीं करना, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड डाइसिस लॉगरिथम और टीवीएम, इन दोनों चैप्टर को मिला के मैथ्स में ही 20 नंबर का आ जाता है। ये स्टैटिस्टिक्स 20 से 25 नंबर की, 55-60 तो मैं बोल रहा हूँ कन्फर्म आ जाएंगे अगर आप ये करोगे तो। तो ये दो चैप्टर कर लिए, टीवीएम के अंदर लगभग 10-12 नंबर का पेपर कन्फर्म है, 8 नंबर का पेपर यहाँ से। तो ये करके तुम्हारे 50-55 नंबर मैथ्स स्टैट्स एलआर में आ जाएंगे, जबकि आपने कितने सारे चैप्टर अभी नहीं करे हैं, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारे चैप्टर। तो इस तरीके से मैथ्स स्टैट्स एलआर को आप 100% कन्फर्म कर सकते हैं 50-55 नंबर। बात करें इकोबीसी के, इकोबीसी के मेरे को पता है आपको ज्यादातर बच्चों को बहुत आसान लगती है इकोबीसी के। इको के अंदर चैप्टर सेकंड, थर्ड, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसे करना है। बीसीके में चैप्टर सेकंड, थर्ड, फिफ्थ आप करने को सारे करें, इकोबीसी के वैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपके बाकी सब्जेक्ट पे थोड़े वीक है ना तो इकोबीसी के अकाउंट, जिसका जो सब्जेक्ट इसके अंदर मैं बाद ऐड करता हूं, जिसका जो सब्जेक्ट वीक है ना उसके अपोजिट वाले सब्जेक्ट पे ज्यादा मेहनत करके उसमें थोड़े ज्यादा नंबर ले आओ, और जो वीक है उसको इतना मेहनत कर लो कि उसमें एटलीस्ट 40-50 आ जाए नंबर। तो आराम से आपका एग्रीगेट भी बड़े प्यार से बनेगा कि आप जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है मेरा उसको और स्ट्रांग कर दो और जो वीक है उसे इस कैटेगरी में ले आओ कि 50 नंबर आ जाए, 40 नंबर आ जाए। तो ये स्ट्रेटजी आपको काम करना पड़ेगा। ये बीसी के पूरा का पूरा ये भी 35 पेजेस में कवर है। इस बार की परफेक्ट रिवीजन बुक एक धमाल है क्योंकि इस बार प्रायोरिटी क्वेश्चंस यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए आपको हमने कि आपको पेपर से पहले सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं करना। इसके अलावा आप देखो परफेक्ट रिवीजन के अंदर आपका जो एक एक चैप्टर है ना बेटा दो दो तीन तीन पेजेस में कवर है कि आपको सिर्फ यही करना है, आपका काम हो गया। 3 से 5 प्रायोरिटी क्वेश्चन है, जैसे अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं, इन्वेंट्री चैप्टर कर रहे हो आपने कंटेंट पढ़ा 3 पेज का है, उसके बाद आपके 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन कर लिए आपने, ये कर लिया आपका काम बन गया, आपका कंटेंट रिवाइज हो गया पूरा का पूरा, क्वेश्चन पता लग गया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो इस तरीके से हमें पता लगता है परफेक्ट रिवीजन बुक की अहमियत। तो बेटा आखिरी के 60 डेज है, 297 रुपीज की बुक है और आपको इतनी हेल्प कर सकती है कि 200 नंबर सिर्फ इस बुक को अच्छे से पढ़ लो बाकी कंटेंट को समझ के तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ आई हैं, पसंद आई हैं और आप ये गारंटेड 200 नंबर लेके आएंगे। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी ये 200 नंबर लेके आ पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री श्याम।